रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संदीप के ना चाहते हुए भी उसकी माँ कुमकुम उसकी शादी कनक से करवा देती है, जो कि गांव की लड़की थी। संदीप अपनी शादी की पहली ही रात कनक के पास जाकर उससे बोलता है, देखो ये शादी मेरी बिना मर्जी के हुई है, तो तुम मुझसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें प्यार दे भी पाऊंगा या नहीं। पर आप इस शादी काहे नहीं करना चाहते थे? हम आपको पसंद नहीं है का? बात पसंद या नापसंद की नहीं है कनक, मुझे जैसी बीवी चाहिए तुम वैसी नहीं हो। अरे तो हम का बताए दो, आपको कैसी जोरू चाहिए, हम एकदम वैसे बन जाएंगे। ना ही तुम वैसी बन सकती हो और ना ही तुम मेरी बात को समझ सकती हो। अब बहुत रात हो चुकी है, इसलिए तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ये बोलकर संदीप अपना बिस्तर उठाकर सोफे पर जाकर सो जाता है और अगले दिन बिना किसी को कुछ बताए सुबह सुबह अपने दोस्त सोनू के पास जाकर उससे बोलता है, भाई तू मेरा कनाडा का वीजा लगवा रहा था, क्या हुआ उसका? भाई तू अपने भाई के होते हुए चिंता क्यों कर रहा है, मैंने तुझे जुबान दी है, मैं तेरा वीजा लगवा कर ही रहूँगा, तू बस भाभी के साथ मजे कर। भाई तू मुझे गाली दे दे नहीं तो जिंदा गाड़ दे, पर मुझे उस गवार के साथ मजे मारने को मत बोल। क्या हुआ जो तू अपनी बीवी के लिए ऐसे बोल रहा है? अरे गवार को गवार ना बोलूं तो और क्या बोलूं? मैंने बोला था माँ को कि मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी, पर फिर भी मेरी शादी उन्होंने उससे ही करवाई। अब बस मैं कनाडा चला जाऊं, उसके बाद इस गवार से पीछा छूट जाएगा। इतना बोलकर संदीप घर जाता है, जहां वो अपनी बीवी को देखकर गुस्से में अपने रूम में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद सोनू भी संदीप के घर आता है और कनक से मिलकर कुमकुम से बोलता है, आंटी जी जब संदीप कनक भाभी से शादी करना नहीं चाहता था तो क्यों करवाई आपने संदीप की शादी? आजकल के बच्चे बताएंगे मुझे कि क्या करना है और क्या नहीं। अरे बेटा तुम लोगों की जुबान होती होगी कि कल बोला और आज भूल गए, पर हम जो एक बार जुबान दे देते हैं ना उसे मरते दम तक पूरा करते हैं। पर इसमें जो दो जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं उसका क्या? बेटा ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हमने, दुनिया देखी है और हमारे टाइम में कौन सा हमारी मर्जी से शादी होती थी, पर फिर भी हम साथ रहे हैं ना। वैसे ही कल को जब संदीप के बच्चे होंगे तो वो भी सब भूल जाएगा। और अब तू जनानियों की तरह अपने दोस्तों को भड़काना बंद करो और अपने घर निकलो, चलो फुटो यहाँ से। कुमकुम की बात सुनकर सोनू वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिर संदीप का वीजा लग ही जाता है। वीजा लगते ही संदीप अपना सारा सामान पैक करके जाने की तैयारी करने लगता है। तभी कनक आरती की थाल लाकर संदीप के पास जाती है और उसकी आरती उतार कर उससे बोलती है, वहाँ जाकर ना मन लगा कर काम करना, हमें फोन करते रहना और हमका बहुत याद करना। कनक मैं कोई जंग पर नहीं जा रहा, मैं कनाडा काम करने जा रहा हूँ, अब जाने दो मुझे वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ठीक बा, हम आपका इंतजार करेंगे, वहाँ काम जल्दी खत्म करके ना जल्दी जल्दी वापस आना, हम यहाँ आपका इंतजार करेंगे, आप वापस तो आएंगे ना हमारे पास। माफ करना कनक, पर अब मैं कभी नहीं आऊँगा। क्या सोचने लगा, बहुत उससे कुछ पूछ रही है, जवाब दे। माँ मैं चलता हूँ और वहाँ जाकर आपको फोन करता रहूँगा, अच्छा आप आशीर्वाद दे दो। इतना बोलकर संदीप अपनी माँ के पैर छूकर घर से निकल जाता है। थोड़ी ही देर बाद कनाडा पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी कंपनी की तरफ से दिए गए अपार्टमेंट में जाता है और फ्रेश होकर बालकनी में खड़ा होकर खुद से बोलता है, वेलकम टू कनाडा संदीप, जियो मेरे लाल, आखिर मैंने मेरा सपना पूरा कर ही लिया। और वो जल्दी से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, जहां वो अपनी ऑफिस की फिरंगी लड़कियों को देखकर मन ही मन में बोलता है, कुछ भी कहो जो बात इन फिरंगी लड़कियों में होती है ना वो बात देसी में नहीं। संदीप मन ही मन ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसके पास एलिस नाम की एक फिरंगी लड़की आती है और उससे बोलती है, आई लाइक इंडियन पीपल्स, आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी, विल यू टॉक टू मी इन हिंदी? व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, वी आर फ्रेंड्स। एलिस की ओर से दोस्ती का हाथ बढ़ता देखकर संदीप उसे मना नहीं कर पाता और कुछ ही दिनों बाद दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और थोड़े समय बाद एलिस की बेकार हिंदी सुधरने लगती है। गुजरते वक्त के साथ दोनों की दोस्ती ऐसी गहरी हो जाती है कि धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। संदीप एलिस से शादी करके कनाडा में ही जिंदगी को सेटल करके खुशहाल रहने लगता है
ऐसे ही थोड़ा समय गुजरता है और एलिश संदीप से कहती है, I wanna go to India and meet your family. I booked our tickets and we are rushing off to India by tomorrow. क्या करना है इंडिया जाकर? कुछ है ही नहीं इंडिया में। हम कल इंडिया जा रही है, मतलब जा रहे हैं। इतना बोलकर एलिस दोनों का बैग पैक करके उसको अपनी कसम देकर इंडिया ले जाती है, जहां कनक दरवाजे पर खड़ी होकर संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही संदीप की कार घर के आगे रुकती है, वो बाहर निकलता है। तभी कनक भागकर उसके गले लग जाती है और कुमकुम को आवाज लगाकर बोलती है, माँ जी ये देखिए संदीप जी आ गए। आपको पता है लोग हमको काका बोलते थे, कहते थे कि आप हमका छोड़कर विदेश चले गए हैं और कभी वापस नहीं आएंगे, पर देखिए आज लोगन की बात झूठ हो गई और हमारा यकीन जीत गया, आप वापस आ गए। तभी वहाँ कुमकुम आती है और अपनी बहू से बोलती है, ये तेरा प्यार था बहू जो संदीप इतने दिनों बाद घर आया, क्यों रे विदेश जाकर सबको भूल गया था क्या? पता है बहू तेरे दरवाजे पर खड़े होकर रोज इंतजार करती थी। माँ जी छोड़िए ना, ये आ गए हैं हमारे पास यही बहुत है। वो सब तो ठीक है बहू, पर ये संदीप के साथ फिरंगी कौन है? ये सब देखकर एलिस को समझते देर नहीं लगती कि आखिर किस वजह से संदीप उसे इंडिया नहीं लाना चाहता था और इतने टाइम से वो उसके साथ उसकी दूसरी बीवी की हैसियत से रह रही थी। वो संदीप के पास जाती है और उसे जोरदार तमाचा लगाती है। तभी कनक उससे बोलती है, अरे ओ पगला गई हो का, तुहार हिम्मत कैसे हुई हमार पति पे हाथ उठाने की? अरे जाहिल औरत, गोरी चमड़ी के साथ क्या दिमाग भी खाली है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? ये बात आप अपने बेटे से पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों संदीप, बताओ ना अपनी फैमिली को कि क्यों और किस हक से मारा है मैंने तुम्हें। एलिस के इतना बोलने पर संदीप सबके आगे सच बताता है कि किस तरह उसने कनाडा जाने का प्लान बनाया था ताकि वो कनक से पीछा छुड़वा सके और फिर उसने वहाँ जाकर बिना एलिस को सच्चाई बताए उसे शादी कर ली थी। ये सारा सच जानने के बाद कनक ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है, जिसके बाद सबके सामने वो जोर से हंसने लगती है। उसकी ऐसी अजीब हरकत देखकर संदीप और एलिस कुमकुम के साथ उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उनको पता चलता है कि सदमा लगने के कारण कनक ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। ये सब देखकर कुमकुम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो संदीप से बोलती है, आज कनक के साथ जो भी कुछ हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है। काश मैंने तेरी शादी जबरदस्ती कनक से ना करवाई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सारी गलती आपकी नहीं है माँ जी, कुछ गलती संदीप की भी है और उस गलती को अब मैं ठीक करूँगी। तुम ये सब कैसे ठीक कर सकती हो? कनक की देखभाल करके, क्योंकि आज जो कनक की हालत है उसके जिम्मेदार हम ही हैं। ये बोलकर वो कनक को हॉस्पिटल में एडमिट ना करवा कर उसे घर ले आती है और इंडिया में ही रहकर एक फिरंगी सौतन अपनी देसी सौतन की देखभाल करती है। रजनी एक बहुत ही भोली किस्म की लड़की थी, जिससे जो कोई भी कुछ करने के लिए बोलता वो वैसा ही कर दिया करती। इस बात से उसकी माँ सरला काफी परेशान रहती थी। ऐसे ही एक रोज, अरे रजनी बेटा मैंने ऊपर कुछ कपड़े सूखने के लिए रखे थे, जरा ऊपर से सारे कपड़े उतार कर तो ले आ। ठीक है माँ अभी लाई। रजनी ऊपर जाकर सारे कपड़े उतार लेती है, यहाँ तक कि उसके ऊपर वाले कमरे के भी वो सारे कपड़े उतार कर नीचे अपनी माँ के सामने रख देती है, जिस पर सरला अपना सर पटक कर उससे बोलती है, अरे मेरी माँ मैंने तार पर सूखे कपड़े बोले थे ना कि पूरे घर के। अरे माँ आपने ही तो बोला था सारे सूखे कपड़े ले आ, तो मैं ले आई। रजनी की ये बेवकूफी और भोलापन देख सरला को कुछ समझ ही नहीं आता और वो हर टाइम उसके उज्जवल भविष्य के बारे में ही सोचती रहती। ऐसे ही एक दिन रजनी के लिए रोहन नाम के एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आता है, जिसे देखते ही सरला को रोहन पसंद आ जाता है और वो रोहन को घर बुलाती है, जहां रोहन अपनी माँ रेवती के साथ रजनी को देखने के लिए आता है।
रजनी उनके लिए हाथों में चाय नाश्ता लेकर आती है और रेवती के पैर छूती है। ये सब देखते ही रेवती को रजनी पसंद आ जाती है और रेवती बोलती है, अरे बहन जी, आपने अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे संस्कार और गुण दिए हैं, वरना आजकल की लड़कियाँ बड़ों का आदर करना तो मानो भूल ही गई हो। ये तो है बहन जी, हमारी रजनी बहुत ही भोली और संस्कारी है। आप सभी से विनती है, शादी के बाद मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। बिल्कुल बहन जी, हम आपकी रजनी का बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ख्याल रखेंगे। हाँ। दोनों की फैमिली आपस में बात कर रिश्ता पक्का कर देती हैं और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी रजनी वैसे के वैसे ही भोली मासूम रहती है और वो अपनी इस मासूमियत के साथ अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां उठा लेती है। और एक दिन रोहन उसके करीब आने की कोशिश करता है और उसको अपनी बाहों में भरकर कुछ रोमांटिक बातें करता है। रजनी यार, तुम इतनी प्यारी हो कि दिल करता है तुम्हें अपने पास रखूं और एक दिन खा जाऊं। अगर मुझे पता होता या कि आप मुझे मारना चाहते हैं तो मैं आपसे शादी ही नहीं करती। मैं अभी ये बात जाकर माँ को बताती हूँ, रुक जाइए आप। बस बहुत हुआ, कहीं नहीं जाओगी तुम। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ और जो तुम समझ रही हो ना, वो मैं नहीं बोल रहा था। इतना बोल रोहन रजनी को किस करता है, पर रजनी उसको खुद से दूर कर वहाँ से रोते हुए चली जाती है और रसोई में जाकर काम करने लगती है। कुछ समय बाद सब खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर रोहन इशारों में कान पकड़कर रजनी से माफी मांगता है, पर रजनी उसको इग्नोर कर देती है और वो सबको खाना देती है, जिसे खाकर रेवती रजनी से बोल पड़ती है, अरे बहू, ये दाल कैसी बनाई है, इसमें तो नमक ही नहीं है, और ये रोटी, हे भगवान, कितनी है छोटी, जा थोड़ी बड़ी रोटी बना और जरा सा नमक भी ले आ। जी माँ जी। रजनी तुरंत किचन में जाती है और थोड़ी देर बाद थाली से भी ज्यादा बड़ी रोटी और पूरा नमक का डब्बा उठाकर ले आती है, जिसे देख रेवती बेहोश हो जाती है और थोड़ी देर बाद होश में आती है और बोलती है, अरे बहू, ये क्या ले आई? अरे मैंने तुझे थोड़ी बड़ी रोटी बोला था और थोड़ा सा नमक लाने के लिए बोला था। पर माँ जी, आपने मुझे ये नहीं बताया था कि कितनी बड़ी रोटी, और ना ही ये बोला था कि थोड़ा सा नमक लेकर आना। हे भगवान, ये कैसी बहू ले आई मैं? भगवान, तुझे बहू ही देनी थी तो इसमें थोड़ी बुद्धि भी दे देता। माँ जी, पर अपने घर में कोई बुद्धि भी रहती है? कहाँ है वो, चलिए साथ में ढूंढते हैं। रजनी, थोड़ी देर अपना मुँह बंद रख सकती हो? माँ, आप अपने कमरे में जाओ। रेवती रजनी की ऐसी बेवकूफियाँ देख गुस्से में लाल पीली होकर वहाँ से चली जाती है और रजनी ऐसे ही बेवकूफियाँ करती रहती है, जिसके चलते रेवती रजनी को कहीं नहीं लेकर जाती और ना किसी से मिलवाती। ऐसे ही एक दिन रेवती की कुछ फ्रेंड्स उसके घर पर आती हैं और वो सब ताश खेलने लगती हैं। तभी वहाँ रजनी उनके लिए शरबत लेकर आती है, जिस पर उसकी एक फ्रेंड बोलती है, रजनी, तेरी बहू तो बहुत सुंदर और संस्कारी से है, आ बेटा, तू भी मारी गेला खेल ले। रेवती, तू ही कह देना अपनी बहू ते। सब इतना कह रहे हैं तो तुम भी खेल लो। सबके बोलने पर रजनी खेलने लगती है और जैसे ही रेवती चीटिंग करती है, वो सबको बता देती है और बोलती है, माँ जी, गेम में चीटिंग करना ना गलत बात होती है। ये देख उसकी दोस्त उस पर हंसने लगती है और एक बार फिर गेम शुरू होती है और इस बार उसकी दोस्त चीटिंग करती है, जिस पर रजनी बोलती है, गेम तो चाहे कोई भी हो, लेकिन कभी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, और हार जीत तो लगी रहती है, पर चीटिंग करना नॉट गुड आंटी जी। रजनी की बात सुन
सब खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगते हैं और ईमानदारी से खेल सब अपने अपने घर वापस चली जाती हैं और रेवती का सर सबके सामने फक्र से ऊंचा हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन एक चोर उसके घर में आ जाता है और रजनी उसको चोरी करता देख लेती है और बोलती है, आप ये सब क्या कर रहे हैं? अगर आपको कुछ चाहिए था या किसी तरीके की कोई मदद चाहिए थी तो हमें बोलिए, मेरी सास सबकी मदद करती है। पर आप लोग इस तरह चोरी तो मत कीजिए ना, मेरी सास आराम से आपको सब कुछ दे देगी। चुप कर, नहीं तो तेरे गर्दन यहीं उड़ा दूंगा। और ये सब मैं अपने अपनों के लिए कर रहा हूँ, समझी? मेरी गर्दन उड़ाने से अगर आपकी कुछ मदद हो पाती है तो उड़ा दीजिए, पर मुझे एक बात बताइए, आपके ऐसा करने से होगा क्या? आप अगले दिन जेल चले जाएंगे। उसके बाद सोचा है, जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं उनका क्या होगा? बताइए, ये कुछ पैसे आपके लिए ज्यादा जरूरी है या आपके बीवी बच्चों की खुशी? रजनी चोर को पैसे देकर बात कर ही रही होती है कि आवाज सुनकर रोहन और रेवती भी वहाँ आ जाते हैं और रोहन पुलिस को फोन करने लगता है। तभी रजनी अपने पति के हाथ से फोन ले लेती है और चोर उनसे माफी मांगने लगता है और बोलता है, मैडम आज आपकी वजह से मेरी आंखें खुल गई, अब से चोरी नहीं करूंगा बल्कि मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चे का पेट पालूंगा, आप मुझे माफ कर दीजिए। ये सब देख रजनी और उसके घर वाले उस चोर को माफ कर देते हैं और रजनी उसको कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने देती है। और एक बार फिर रेवती रजनी पर फक्र करती है और बोलती है, अरे तुझ जैसी बहू सबको मिले, बहू हमारी रजनीकांत है। रजनीकांत हमें मुसीबत में डालकर और फिर उस मुसीबत से निकाल भी लेती है। रजनी के घर में सब ठीक हो जाता है पर रजनी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और आए दिन वो कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करती ही रहती जिस पर उसकी सास का बीपी लो हो जाता, पर फिर भी सब एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।